Assalamu alaikum and welcome to Haven of Feeling, everyone. Assalamu alaikum, Dr. Moez. Wa alaikum assalam, Uruj, and wa alaikum assalam, everybody. time ho gaya, dosto. Jahan kahi ho, jaldi jaldi aa jao. Chai pee lo, jaldi aa jao. Assalamu alaikum, Kabir sahab. Assalamu alaikum, Bashir sahab. Abbas, Hamza, Zalak, Humaira. सरवत, एवरीबडी इज़ हियर. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बेसिकली एवरी ईयर वी डू दिस एंड टुडे इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्टर मोइज एज वेल बिकॉज ही वॉज वेटिंग टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. और हम थर्ड अशरे का वेट कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अशरा निजात. इसके साथ साथ आज हम स्पेशल मेडिटेशन करेंगे फॉर हीलिंग पर्पजेज एज यू मैंशन इन टू आर लास्ट हेवन ऑफ हीलिंग इन विच वी टॉक्ड अबाउट चेंज. और हमने कहा था वी ऑल हैव द पावर ऑफ चेंज एंड उस चेंज के लिए हमने कहा था कि जिस तरह अब वबा बहुत फैल चुकी है तो हमने कहा था हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू एक खास नंबर ऑफ पीपल विल सिट एट वन टाइम एंड विल डू दिस लाइव मेडिटेशन सो दैट वी कुड हील आर सेल्फ एंड हील द प्लैनेट एंड हील आर लव्ड वंस. सो वी विल बी डूइंग दैट लाइव मेडिटेशन टुडे. हाउएवर बिफोर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक अशरा निजात. जी सर. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबको सलाम मेरा. इंडिविजुअली सबको जवाब नहीं दे सकता, इतने लोग आ जाते हैं माशाल्लाह. तो जो जो हैं और जो आने वाले हैं सबको एडवांस में वालेकुम अस्सलाम. दोस्तों, वो अशरा जिसका इंतज़ार था, जिस तरह किसान ज़मीन को खोदता है, हल चलाता है, बीज डालता है, पानी देता है और फिर इंतज़ार करता है कि उसका समर कब मिलेगा, उसको उसका फल कब मिलेगा. तो अब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है पाकिस्तान में और ये वो अशरा है जिसमें जिन लोगों ने दूसरों के साथ सिले रहमी की, अल्लाह से रहम की भीख मांगी, दूसरों को माफ़ किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अब वो वक्त है कि जब अल्लाह ताला की रहमत से, उसके करम से ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से निजात दे देगा. देखिए, ये निजात दो तीन किस्म की होती है. एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम सब जहन्नम से निजात चाहते हैं. ये जहन्नम वो है जो आखिरत में के बाद बपा होगा, यानी मैशर के बाद बपा होगा. मगर एक जहन्नम दुनिया में भी है. कई घर ऐसे हैं जिसमें रहने वाले इंसान जहन्नम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. घर में लड़ाई, झगड़े, नाचाकियाँ, बद जबानियाँ, बद कलामियाँ, वो औलाद जो माँ बाप पे हाथ उठाती है, वो औलाद जो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करती है, दिल दुखाती है, उन माँ बाप के लिए दुनिया भी जहन्नम से कम नहीं. फिर उसके बाद इंसान को हक ना मिले, लोग कोर्ट्स के धक्के खाएं, 20-20 साल तक हकदार को हक ना मिले, ना इंसाफी के इस दुनिया में, जुल्म के इस दुनिया में, ये भी जहन्नम से कम नहीं है. उनसे पूछें जिनके हाल, जिन पे गुजरती है, वो जानते. तो जब हम निजात की बात करते हैं तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें उस चीज़ों से निजात दिला कि जो हमें तकलीफ़ देती है, रूहानी, जिस्मानी, जहनी तकलीफ़ देती है, और आखिरत में तो डेफिनेटली जहन्नम की आग से ही अल्लाह ताला हम सबको बचाए. अपने हबीब के सदके हम सब की मगफिरत हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे कोताही गुनाहों की. आज एक बात मैं दो नसीहतें करना चाहता हूँ और फिर एक और बात बताना चाहता हूँ. बेसिकली हम इतने बिजी हो गए कि वो जो डीड ऑफ द सोल एंड वर्ड ऑफ द डे जो था वो अभी तक नहीं शुरू कर सके. इंशाल्लाह ईद के बाद उम्मीद है मैं शुरू करूंगा. तो आज दो नसीहत देना चाह रहा हूँ. इन नसीहत को गौर से सुने. आखिरी अशरा है. हम बड़े कमिटमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में न्यू ईयर पे, मगर वो कमिटमेंट और इस कमिटमेंट में बड़ा फ़र्क है. तो नसीहत दो ये है. पहली नसीहत ये है कि ज़रा सी लज्जत के लिए गुनाह मत करना. लज्जत चली जाएगी, गुनाह रह जाएगा. कोई भी प्लेजर ऐसा नहीं होता जो सस्टेनेबल. आपने बेहतरीन खाना खाया, जिस वक्त खाया मज़ा आया, उसके बाद वो पेट में चला गया, उसकी लज्जत ख़त्म हो गई.
तो किसी ऐसे काम की लिज्जत जो गुनाह हो वो मत करना, क्योंकि लिज्जत चली जाएगी चंद मिनट के बाद, गुनाह रह जाएगा और वो गुनाह का जवाब आपको देना है। दूसरी नसीहत, कोई नेकी के लिए, कोई नेक काम के लिए, कोई नेकी के लिए जरा सी मुशक्कत और तकलीफ उठा लेना, तकलीफ और मुशक्कत चली जाएगी, नेकी रह जाएगी। वाह, ये दो नसीहतें आप याद रखिएगा। तो नसीहत नंबर वन है कि लिज्जत के लिए कोई गुनाह मत करना, और लिज्जत तो खत्म हो जाएगी लेकिन गुनाह रह जाएगा, और अगर किसी अच्छे काम करने के लिए थोड़ी सी मुसीबत लेनी पड़े सर पे या थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े तो वो कर लेना, क्योंकि स्ट्रगल तो खत्म हो जाएगा लेकिन नेकी आपके साथ रहेगी। सो आई थिंक दिस कंक्लूड्स द होल सेशन टुडे सर, प्लीज गो ऑन मेडिटेशन, देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग आफ्टर दिस। क्योंकि अब आखिरी अशरा है, लोगों ने अपनी ज़कात निकाली होगी, खैरात निकाली होगी, जो कुछ आपको अल्लाह ने तौफीक दी है जितना खर्च कर सकते हैं खर्च करें, क्योंकि ये वो अकाउंट है जो वहाँ पर है और इसका अजर आपको वहाँ मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है समझनी कि इबादत और नेकी में कई दफ़ा मैं फ़र्क समझा चुका हूँ। अच्छा सर, आपने भी शुरू में जब बात शुरू की तो आपने शुरू की कि अशराए मगफरत गुजरा है जिसमें आप खुदा से मगफरत मांगते हैं और आप भी लोगों को माफ़ करते हैं। ये हमारा लोगों को माफ़ करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर इंसान इस बात को समझता है कि मेरा रब मेरी कितनी गलतियों के बावजूद मुझे दरगुजर करता है, माफ़ कर देता है, तो वो उस वक्त पॉसिबल है जब आप दूसरों को माफ़ करने की आदत डालें। अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो रब आपको माफ़ नहीं करेगा। ये जो सिफत है माफ़ करने की, अल्लाह की सिफत है और अल्लाह चाहता है इंसान अपने अंदर ही सिफत पैदा करे। हम मुकम्मल तो नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह तो कुल है, टोटैलिटी है, एब्सोल्यूट है, मगर हम उसकी छोटी सी भी अगर रमक अपने अंदर पैदा कर ले कि लोगों को माफ़ कर दिया करें, दरगुजर कर लिया करें, लोगों को थोड़ा सा स्पेस दे दिया करें, ये समझ के कि हर इंसान मजबूर होता है, हमें नहीं पता किसकी मजबूरी क्या होती है, तो अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है, बंदा बंदे को माफ़ करे। अच्छा, आपने अक्सर समझाई ये बात, बट मैं चाहूँगी कि आज जैसे लास्ट अशरा है तो मगफरत जो है वो निजात से पहले इसलिए आती है कि मगफरत के बाद इंसान निजात की तरफ बढ़ता है। इसी तरह ये तो खैर हम रमज़ान के हवाले से थोड़ी देर बात करेंगे, बट ऑन अ पर्सनल लेवल अगेन रमज़ान का हर एक जो डे है, हर एक जो इसके साथ चीज़ जुड़ी हुई है, वो किसी ना किसी चीज़ का लेसन है हमारे लिए, कोई ना कोई लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाता है वो। तो अगर हम भी जब लोगों को माफ़ करते हैं तो ऐसा भी तो होता है कि उस परेशानी से हम अपनी भी निजात ले रहे होते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं मकाफात अमल और लॉ ऑफ कॉज एंड एक्शन अफेक्ट होता है ना, वो एक प्रिंसिपल भी है, और इसको आजकल बहुत सारे लोग कर्मा के बारे में पढ़ते हैं, कर्मा 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 लफ्ज कर्म से आया है। इसका मतलब यह है कि जो साइकिल में आप फंसे हो, देखिए एक चीज़ याद रहे, अल्लाह का कानून बड़ा अटल है, ये गैर मुस्लिम के लिए भी अटल है, मुसलमान के लिए भी अटल है, मोमिन के लिए भी अटल है, और वो जो अल्लाह को नहीं मानता एथिस्ट है उसके लिए भी अटल है, क्योंकि वो सबका रब है, कानून सबके लिए अटल है। ठीक है, अब कानून ये कहता है कि जब आप एक अमल करते हो, व्हेन यू एक्ट, व्हेन यू डू एन एक्शन, इट क्रिएट सब्सिक्वेंट रिएक्शन। अब जब वो रिएक्शन है तो वो आएगा जरूर, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि रिएक्शन ना हो, अल्लाह की पूरी कायनात इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब जब दीन में सदके का कॉन्सेप्ट है, तो वो सदका कैसे, एक दिन मैं समझा रहा था कि आपने गलत काम किया, किसी के साथ बदतमीजी की, किसी का हक मारा, कोई भी आपने ऐसी हरकत की, अब उसका रिएक्शन आएगा, फौरन आएगा, कुछ देर बाद आएगा, या उस वक्त आएगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये भी बहुत बढ़िया कैनवस है, मैं उसको एक सेशन में समझा नहीं सकता, मतलब किसी की जवान औलाद मर जाती है दुनिया से, हम ब्लाइंड स्पॉट की जो फोर डायमेंशन में बात कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप सदका देते हैं तो सदका क्या करेगा, सदका उस अमल को रोकेगा नहीं, वो रिएक्शन आएगा,
वो तीर वापस आपकी तरफ आएगा, सत का ढाल है, इट्स अ शील्ड, वो उसको रोक लेगा, मगर वो आएगा जरूर एरो आपकी तरफ, इसको आप नहीं रोक सकते। सही है, तो ये समझ ले। दूसरी चीज ये कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो माफी से पहले होता है कि जब हमारे दिल में किसी के लिए ग्रज हो, गुस्सा हो, नफरत हो, बुग्ज़ हो, इंतकाम लेने का जज्बा हो, तो हम उस शख्स के साथ एक बंधन में बंधे हैं, हम दोनों हैंडकफ्ड हैं, यानी मैं रस्सी से बंधा हुआ उस शख्स से, जिस तरह मोहब्बत में इंसान बंधा होता है इसी तरह नफरत में बंधा होता है। तो जब आप माफ करते हैं तो आप उस बंधन को तोड़ देते हैं, उस जंजीर को तोड़ देते हैं, उस हथकड़ी को तोड़ देते हैं, अब आप आजाद हो गए। याद रहे, जब तक आप माफ नहीं करते, आपके तहते शऊर आपके नर्वस सिस्टम पे बोझ पैदा करता है, और वो बोझ वक्त के साथ साथ अंदर एसिडिटी, DIGI डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम, कई बीमारियां होती हैं इंसान को, उसके अलावा उस पर स्ट्रेस भी आएगा, नींद का प्रॉब्लम भी होगा। जैसे ही उसने माफ कर दिया, इट्स लाइक होल्डिंग अ पेंसिल विच डज नॉट हैव एनी वेट, बट इफ यू कीप ऑन होल्डिंग द पेंसिल फॉर 2 hours, 3 hours, 5 hours, इवेंचुअली योर आर्म इज गोइंग टू गेट टायर्ड एंड यू कैन नॉट होल्ड द पेंसिल। तो ये जब इंसान इंतकाम का सोचता है या रिएक्शन का सोचता है या माफ ना करने का सोचता है, तो वो उसको होल्ड करके रखता है, चाहे बात छोटी क्यों ना हो, वजन कुछ भी ना हो उसमें, मगर जो ड्यूरेशन होता है, दौरानिया होता है एक चीज को अपने दिल में रखने का, वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात करनी है, भी किसी ने एक अजीब सा कमेंट दिया कि मेरे बाल छोटे हैं, एक्चुअली तो बनते नहीं है ज्यादा, ये कि बाल खुले रख के ये बात कर रहे हैं हम लोग, मगफरत, मैं बात कर रही हूँ मगफरत और निजात की, तो ये जो जजमेंट का हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा अमल और दखल है कि आप अक्सर कहते हो बात कोई भी करे अगर सही कर रहा है तो उसको सुननी चाहिए, उसका देखना नहीं चाहिए कौन कर रहा है, आप देखिए क्या बात कर रहा है वो, और ये जो जजमेंट होती है, आपको लगता है कि ये हमें मगफरत निजात जैसी चीजों पे रोकती है, जब हम किसी को जज करते हैं या किसी के बारे में कोई कमेंट कर देते हैं इस तरह, जो वी शुडंट बी डूइंग इट बिकॉज इट्स नन ऑफ समबडीज कंसर्न व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। शेर खुदा का एक कॉल है आज पाकिस्तान में और इंडिया में और इस इलाके में, अली की शहादत का दिन, उनका एक कॉल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अगर ये समझ जाए हम मुसलमान, तो हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल हो जाए। असल में जब आप लोगों को जज कर रहे हो तो आप खुदा की जगह लेते हो, यू बिकम अ गॉड, बिकॉज़ ओनली गॉड हैज द राइट टू जज। अल्लाह के अलावा किसी को हक नहीं है किसी ने कपड़े कैसे पहने, किसी की आंख कैसी है, किसी की चाल कैसी है, किसी की जबान, वी डोंट हैव द राइट टू जज एनीवन। जब तक आप अपनी जात में अपनी खामियों को तलाश नहीं करोगे, आप दूसरों को जज करते रहोगे, और अक्सर जज करने वाले लोग जो होते हैं उनकी आंखें सिर्फ बाहर की तरफ होती है। हमारे स्टूडेंट्स जो तरबियत ले रहे हैं हमसे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में, हेवन ऑफ हीलिंग में, उनको हम क्या चीज़ सिखाते हैं, अंदर जाओ, अपने अंदर तलाश करो, अपने अंदर अपने आप को तलाश करो। तो अगर कोई शख्स इस रास्ते पर निकलता है तो लोगों को जज करना बंद कर देगा, और ये मुश्किल काम ज़रूर है, मगर याद रखें इसको आसान करने का तरीका ये है कि मैं और आप किसी को जज करने में गलती करेंगे, जब गलती करेंगे तो वो गुनाह होगा। यानी किसी को जज करना और एक रिमार्क पास करना गुनाह है, क्योंकि किसी के बातिन को आप नहीं देख सकते, जाहिर को देख सकते हो, अंदर का इंसान कौन है आपको क्या पता। इसीलिए कहते हैं कि इबादत जो होती है, जब इंसान इबादत कर रहा हो चाहे किसी मजहब का हो, उसका रब के साथ एक ताल्लुक होता है। आप उस आबिद को देखकर जजमेंट पास नहीं कर सकते कि यार ये सही खड़ा नहीं है, ये नमाज सही नहीं पढ़ रहा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त उसका रब के साथ क्या गहराई से ताल्लुक है वो मुझे आपको नहीं पता। तो हम जाहिरी चीजों को देखकर जजमेंट पास करते हैं, और अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग जजमेंट पास करते हैं वो बड़े हॉलो होते हैं, वो सरफेस पे होते हैं, बड़ी सतही सोच होती है उनकी, उनके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो जजमेंट पास करते हैं। सेकेंडली, ऐसे लोगों में बड़ा शदीद कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्स को दबाते हैं अपना और दूसरों को अपने से कमतर, छोटा, बुरा, नुक्स, ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं।
ये देखें एक चीज मैं आज बताते चलूं आपको, इजाजत है तुम्हारी? प्लीज प्लीज सर, मेरे से क्या पूछ रहे हो? हम इस वक्त एक बात जो मैं बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में चाह रहा था, मगर आज चुके बात आई है तो मैं बता दूं। अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की है इंसान के अलावा, बहुत सी मखलूक जाहिर में, कुछ मखलूक जो है वो हमें नजर नहीं आती गैब में। अब इन मखलूक में अल्लाह ने सबसे ज्यादा इख्तियार इंसान को दिया, मगर साथ साथ उसे मजबूर भी इतना किया है। बिल्कुल, उसे पर नहीं दिए कि वो उड़ सके परिंदों की तरह, उसे गिल्स नहीं दिए कि मछली की तरह पानी में जा सके, मगर उसे एक चीज दी अल्लाह ने, उसे कहते हैं अकल। उस अकल की वजह से आज पानी में वो सबमरीन बना के जिस तेजी से जाता है कोई मछली इतनी तेजी से नहीं जाती। जितना ऊंचा वो उड़ता है उतना ऊंचा कोई परिंदा दुनिया में नहीं उड़ता जो हवाई जहाज उड़ता है। तो इंसान को अकल सलीम से नवाजा है, मगर साथ साथ मजबूरी क्या देती है उसको। अभी आंखें हैं, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, मगर इसको पाबंद कैसे किया है? नीले को नीला देखेगी, पीले को पीला देखेगी, काले को काला देखेगी, है ना? क्या ये हो सकता है कि काली चीज को ये पीला देखे? नहीं देख सकती। तो ये मजबूरी है इसकी, ये बंदिश की अल्लाह ने उसको, मगर इख्तियार भी इतना ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है पीले को पीला ही देखेगा, काले को काला देखेगा, मगर ये इख्तियार दिया है कि क्या देखे क्या ना देखे। हम जजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आप क्या चीज देखते हो ये इख्तियार आपके पास है। और आपका फोकस किस चीज पे है जी? आपका फोकस किस चीज पे है? एग्जैक्टली, क्या आपका फोकस सिर्फ लिबास पर है, या आपका फोकस उस गुफ्तगू पे है जो कोई शख्स कह रहा है आपसे बात कर रहा है? तो ये इख्तियार जो दिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। सलाम सर। सर आपने क्या खाया था? स्टू खाया था जब मैं हंसता फुल, यू आर फुल ऑन सर। हालांकि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ। डेफिनेटली, बट आज सर, आज जो सर ने दो तीन बातें ऐसी कर दी हैं जो आज से पहले नहीं, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो अगेन, हमें इख्तियार है देखने का चीजों को, लेकिन हमारा फोकस किस चीज पे, द चॉइस इज विद अस। बिल्कुल सही। या अच्छा सर, एक अक्सर आप बात सिखाते हो बल्कि समझाते हो, आपने थर्सडे लेक्चर्स में बताई, हमारे पुराने थर्सडे लेक्चर्स में भी होगी, मैं चाहूंगी वो मिसाल जस्ट फॉर लेटिंग गो, आप अगर आप समझा सको कि जब एक गुस्सा होता है तो ऐसा होता है कि आदमी ने हाथ में पकड़ा होता है कोई आग का गोला, क्या होता है? अंगारा पकड़ा हुआ है, चलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा हुआ होता है। जिस आदमी को गुस्सा होता है, जितनी देर तक वो गुस्सा रखेगा अपने अंदर उतना देर तक उसका हाथ जलेगा। उसको फौरन से फेंक दो तो आपका हाथ भी बच गया। गुस्से को भी लोग नहीं, गुस्सा पिया नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा थूक दो, ना थूका जाता है ना पिया जाता है। अगर ये कर ले तो भी माशरे में आपको पता है बहुत सारी तलाक है इस वजह से होती है, गुस्से की वजह से। स्पर ऑफ द मोमेंट गुस्सा आ गया, या लड़की फला ले लेती है, वो गुस्से में लेती है। तो अब ये जो जजमेंट और गुस्सा ये चीजें हैं, ये हमें अपनी जिंदगियों में इसके ऊपर बड़ा गौर और फिक्र करना होगा। एक दफ़ा ओन साहब हमारे बहुत पुराने शागिर्द, और उनको मैं समझा रहा था, उन्होंने पूछा सर मुझे समझाए मिसाल देखे कि जजमेंटल क्या होता है। जजमेंट का मतलब है अपनी राय थोपना किसी चीज़ पर। अब मैंने कहा मिसाल ये है कि मैं किसी के घर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जी फर्श पे कालीन है सुर्ख रंग का और टेबल्स जो रखी हुई हैं वो ऑफ वाइट है, कुर्सियाँ रेड रंग की है, तो मैं उसको देखकर ये तो सोच सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, मिसाल के तौर पर एस्थेटिकली सही नहीं है, मगर मैं इसका इजहार ना करूँ, क्योंकि मैं इजहार करूँगा तो मैं जज करूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन सही नहीं, कोई और कलर वुड हैव बीन बेटर, बट इसका मतलब है कि मैंने ये मार्जिन दिया है कि जिस शख्स ने ये इंटीरियर डिजाइनिंग की है ये उसकी अपनी चॉइस है। तो लोग क्या पहनते हैं क्या खाते हैं ये उनकी अपनी जाती चॉइस है, मुझे और तुम्हें कोई हक नहीं है किसी पे तनकीद करने का। बेशक, ट्रू, वेरी ट्रू। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हिजाब को हुलिये में देखते हैं, हम मजहब और दीन को हुलिये में देखते हैं,
क्योंकि हमें बताया कि हमारे माशरे में ये चीज डाली गई है हमारे अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कई दफा एक बात कही है कि हो सकता है जो वली उल्लाह है, अल्लाह का वली, वली कहते हैं दोस्त को, वो एक आम सा आदमी है, आम सा आदमी हो, आपको पता ही ना वो अल्लाह से कितना करीब है, अल्लाह ने उसको अपना दोस्त बना, आपको पता भी ना चले, और हम वलियों को नॉर्मली ढूंढते हुलिये के अंदर। हो सकता है हुलिये में भी वली हो, डेफिनेटली हो सकता है, या मगर बगैर हुलिये के भी वली हो सकता है। ट्रू। मैं सोचता हूँ आइंस्टाइन है, तो बड़े बड़े मौजिद जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, सर न्यूटन, आइजेक न्यूटन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, अल्लाह के दोस्त ही तो थे ना, कि उन्होंने बनी नौ इंसान को वो अपनी तहकीक से, उन्होंने अपनी जिंदगियां डाल दी इसमें, और तहकीक से आज हमारी जिंदगियां कितनी आसान हो गई। आज हवाई जहाज में बैठ के उमरा और हज करना कितना आसान हो गया, पहले ऊंट और घोड़े पे जाते थे, महीनों जाना और महीनों आने में लगते थे शदीद गर्मी में, आज एसी का आपके घर में भय, आपके ऑफिस में आप आराम से काम करते हैं, आप बीमार है, बेहतरीन दवाइयाँ लोग ईजाद हो चुकी है, आप उस दवाइयों से अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। मौत का तो हल कोई वो नहीं है, हल नहीं है, मौत आनी है, अटल है, हक है, मौत को नहीं टाला, मगर ज़िंदगी की क्वालिटी तो बेहतर हो सकती है ना। बिल्कुल, आपके लिए कितनी ज़िंदगी के अंदर आशाई से और आराम पैदा किया है, तो क्या वो लोग अल्लाह के दोस्त नहीं थे? मुझे समझ में नहीं आती, अल्लाह के दोस्त किसको कहते हैं? अल्लाह का दोस्त वो होता है जो कायनात में अल्लाह की बनाई हुई इस खलकत को, इस कायनात को, और उसमें जो कुवत है, ताकत है, जो प्रिंसिपल है, उसको समझकर बनी नौ इंसान के फायदे के लिए कुछ करता है, वो अल्लाह। अच्छा, एक और चीज है कि अल्लाह ने हमें बनाया अशरफुल मखलूकात, राइट, दैट मींस वी आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हिज क्रिएशन, राइट, एंड हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी दैट वी कैन थिंक, और वो लोग जो जिन्होंने जिंदगी दुनिया में हमारे लिए कुछ बनाया, कुछ किया, कुछ इजाद की, कोई थॉट छोड़ा, दोज आर द पीपल हु आर यूजिंग दैट एबिलिटी आर गिवन टू देम और टू ऑल ऑफ अस बाय गॉड, एंड दे आर एक्चुअली यूजिंग इट एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, अल्लाह का दोस्त का मतलब क्या, मैं आप एक और लेवल पे समझाता हूं। हाँ। बात कहां से कहां चली गई, सपोज करो उरु तुम मेरी दोस्त हो। हाँ। पक्की दोस्त हो, तो तुम देखोगी कि मेरी जितनी चीजें उसी को खराब ना करे, बिल्कुल खराब नहीं करे ना, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तुम देखोगी कि मेरे दोस्त मोइस का फोन खराब ना हो, उसके घर पे कोई कचरा ना करे, उसने जिन लोगों को तनख्वाह दी है वो प्रॉपर काम करे, मतलब मेरी तमाम चीजों की तुम हिफाजत करोगी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। बिल्कुल। अब इसी को जरा पलटा दें, जो रब का दोस्त होगा वो रब की बनाई हुई मखलूक को तकलीफ कैसे देगा? दे ही नहीं सकता, ना जानवर को, ना पौधे पत्तों को, ना इंसान को कैसे तकलीफ देगा, क्योंकि वो तो उसकी मखलूक है, उसकी चीज है। तो जब एक दोस्त का इतना ख्याल रखता है, तो एक वली वो होगा जो अल्लाह की इस कायनात में उसकी मखलूक को ख्याल रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, और उस कुवतों को समझेगा, उस उन अनासिर को समझेगा, उन मुख्तलिफ फार्मूलाज को समझेगा, प्रिंसिपल्स को समझेगा, ये अल्लाह का वली होता। तो आप इतने इमोशनल क्यों कर रहे हो आज? मैं इसलिए इमोशनल हो रहा हूँ कि रूज नहीं, आप इमोशनल कर रहे हो, नहीं रहे हो। अच्छा। आपने मुझे इमोशनल कर दिया है। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए ये समझा तो, इसलिए दोस्त उसे कभी कभी भी जिंदगी में अच्छे दोस्त का साथ ना छोड़ना। और अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह की बनाई हुई चीज को कैसे खराब कर सकते? Such a deep thought, sir. And it this thought can, I mean, जो समझने वाला है, वो इतनी आसानी से आपने इतनी बड़ी बात समझा दी है कि अगर इसको सुनने के बाद भी अमल ना किया गया तो फिर I don't know what is there कि इसके बाद इंसान को अच्छा अमल करेगा या वो चीजों को बचाएगा या वो प्रिजर्व करेगा खुदा की खुदाई को, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स अदर देन दिस इज कैन एक्सप्लेन इट बेटर देन दैट, बिकॉज यू हैव पुट इट इन सच सिंपल वर्ड्स। और एक जगह हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वो मैंने फिर रेखी के साथ भी थोड़ा जोड़ दिया था कि आपकी सबसे बड़ी जो कहते हैं ना क्वालिटी, वो है कि यू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, यू सिंप्लीफाई सो मच दैट एन 8-year-old चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड यू एंड एन 80-year-old पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, सो यू सिंप्लीफाई इट सो मच दैट इट्स सो ईजी। अच्छा सर, अशरा नजात के बारे में
वी ऑल वॉन्ट टू बी यू नो फ्री फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, और हमारे लिए एक बड़ा एक इन अ वे कि हमारे लिए एक मिशन है कि हम अपनी ज़िंदगी इस तरह जिए कि हमें आखिर में जन्नत मिले. लेकिन इस जन्नत को हासिल करने के लिए जो दोजक का हाल हमने इस दुनिया में बनाया हुआ है, और ये जानते हुए कि अल्लाह सब जानता है, फिर भी दिलों में चोर और चोरी रखी हुई है, क्या वैसी नियत या वैसी सोच रखने वाले को निजात का रास्ता आसान होगा या मुश्किल? देखिए, निजात के लिए फिर एक शर्त है. आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको परवाना दे दे, आपको लिख के दे दे, यानी लिखने से मुराद ये इट्स नॉट एग्जैक्टली लिटरली सेंस, बट परवाना कर दे के जी जाओ मुकद्दर में तुम्हें जहन्नम हमने ख़त्म कर दिया. अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना होगा? अगर हमने दूसरों की जिंदगियों को जहन्नम बनाया है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम कि वो आपको जहन्नम से आज़ाद करेगा? कैसे करेगा? उसके अदल के खिलाफ है. अदल, अल्लाह के अदल को समझो. हमें दुनिया में तो अदल मिलता नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं होता. दुनिया में थोड़ा बहुत नजर आता है वो इंसाफ. अच्छा, इंसाफ अदल के बगैर इंसाफ है ही नहीं. अदल कहते हैं बैलेंस को. बैलेंस, उसके बैलेंस को समझो. वो कैसे माफ करेगा? आपने एक एक बहू की जिंदगी जहन्नम बना दी, एक शौहर ने अपनी बीवी की जिंदगी जी. यानी ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं उरूज, जहां वो लड़की को इजाजत नहीं शादी के बाद अपने माँ बाप से टेलीफोन पे बात करने से. अभी मेरे पास एक केस आया, अभी आज इस थोड़ी देर पहले इस औरत ने मुझे एक मुल्क से ली, बाहर मुल्क में रहती है, और ऐसी बात बताई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई. अब वो पूछ रही है मैं क्या हल बताऊं, मुझे समझ नहीं आती. मियाँ से अलहदगी हो गई है, मियाँ उस मुल्क में रहता है, ये वहां गई है, 12 साल की बेटी. हफ्ते में एक दिन वो बेटी को लेके जाता है, जाहिर है कोर्ट का ऑर्डर है, बाप के साथ स्पेंड करती है. मगर वो कैसा बाप है जो उस बच्ची के साथ फिजिकली, समझ गई ना, हम सब समझ गए होंगे. अब माँ तड़प रही है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं. तो मुझे बताए फिर वो शख्स जितनी भी इबादतें करे, अल्लाह उसको कैसे माफ करेगा? अल्लाह के अदल के खिलाफ. ये हमारे जहनों में कुछ लोगों ने ऐसी बातें डाली है जो दुनिया के अंदर जालिम भी थे, ना इंसाफ थे, खारी उनको ताकत चाहिए थी. उन्होंने जहन में ये बातें, अल्लाह माफ कर देगा. अल्लाह ऐसे माफ नहीं करेगा. वो माफ करने के लिए कुछ उसूल हैं, उसे समझना होगा. मैंने किसी की जिंदगी को जहन्नम बना दिया और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा रब मुझे जहन्नम की आग से निजात दिलाएगा, कैसे हो सकता है? उसी के मखलूक को मैंने इस तरह अजियत दे रहा हूं, उसको तकलीफ दे रहा हूं, एंड आई एक्सपेक्ट गॉड कि अल्लाह ताला मेरे साथ रहम करेगा. वो डेफिनेटली रहम करेगा, मगर इंसाफ भी तो करता है वो, अदल भी तो करता है. ये क्यों भूल जाते हो? तो सर, जहां से हम जजमेंट की बात लेकर चले कि हमने बात की मगफरत की, हमने बात की जजमेंट की और हमारे निजात के ऊपर, तो जहां तक मुझे बात समझ में आई, शायद मेरी अकल में ना आई उतनी बात, कि मोर देन जजिंग व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, वी शुड फर्स्ट कैलकुलेट एंड नो एंड समहाउ वे आर ओन डीड्स. बिकॉज अगर हमारी डीड्स ही सही नहीं है तो बाकी, और डीड्स से मतलब हमारे एक्शन जो सोशली हम रह रहे हैं दुनिया के अंदर, वो अगर सही नहीं है तो बाकी किसी पे उंगली उठाने से, किसी को बोलने से, किसी का करने से, या सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक काम करने से ये निजात हासिल नहीं होगी. देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम तो ये नहीं कि इंसान अपने गरेबान में नहीं झांकता, वो दूसरे के अंदर झांकने की कोशिश करता है. यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अगर हम अपने अपनी जात में अपनी कोताहियां, गलतियां, खामियां तलाश कर लें तो हमें दूसरा इंसान हमें पारसा नजर आएगा, हमें नेक नजर आएगा. ये बड़ी अजीब नफ्सियात है. जिस दिन आपको अपनी खामियों को पता चल गया ना, आपको हर बुरा आदमी अच्छा लगेगा. आपको लगेगा ये मुझसे अच्छा है. Are you getting me? I'm getting you, yeah. जिस तरह एक दफा मुझे किसी ने पूछा था, मैंने शुक्र पे किसी ने मुझसे सवाल किया था,
कि शुक्र करने से क्या होता है। मैंने कहा शुक्र करने से पहले तो शऊर बुलंद होता है। अच्छा कैसे होता है? मैंने कहा देखो, जब आप अपने से ऊपर देखते हो लोगों को तो आप कहाँ होते हो? नीचे होते हो। नीचे वाले ही ऊपर वाले को देखता है ना, मगर अगर आप अपने से नीचे देखोगे तो आप कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। ये ज़हनी सतह की बात है। तो जब आप अपने से कमतर लोगों को देखते हो, कहते हो परवरदिगार तेरा शुक्र है मेरे पास साइकिल है, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, तो आप नीचे देख रहे हो। और नीचे देखने वाला शख्स हमेशा ऊपर होता है, और ऊपर देखने वाला शख्स हमेशा नीचे होता है। इसी तरह जो इंसान दूसरों पे तनकीद करता है, जजमेंटल होता है, वो अपनी जात में कभी नहीं झांकता। जिस दिन इंसान ने अपनी जात में झांकना सीख लिया, उसे लगेगा मुझसे सब अच्छे हैं, सब मुझसे ज्यादा बेहतर है, दुनिया जन्नत बन जाएगी। मगर हम ये कर नहीं सकते ना। एक तो सिखाएगा कौन आपको? वो कोई सिखा भी दे तो कौन करवाएगा कौन आपको? और आप क्यों करेंगे? सबसे मुश्किल काम है अपनी जात में जाना, सबसे मुश्किल काम है। True. अपनी खामी तलाश करना सबसे मुश्किल काम है, अपने पड़ोसियों की खामियां तलाश करना और दूसरों की खामियां तलाश करना बहुत आसान है। वजह यह कि आंखें बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं। सही, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा सर, निजात का अब जैसा कि हमारा अशरा चल रहा है, वबा भी इस वक्त है, आपको पता है कितनी बुरी कंडीशन हो रही है और कितनी बुरी बुरी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त, और कितने डिस्कशंस चल रहे हैं टीवी के ऊपर इस कंडीशन के अंदर, राइट? और मोर देन द कंडीशन दैट इज गोइंग ऑन, पीपल आर सफरिंग फाइनेंशियली, पीपल आर सफरिंग इमोशनली, पीपल आर सफरिंग यू नो मेंटली इन दिस कंडीशन राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम के अंदर आप ईद की सेलिब्रेशंस के लिए क्या ऐसा कोई मैसेज जो देना चाहोगे, या इस पूरे जो 10 दिन जो बाकी बचे हुए 10 दिन है, 20 दिन में कुछ नहीं, बचे हुए 10 दिन में क्या ऐसी बातें जो आप बताना चाहोगे कि देयर स्टिल टाइम वी कैन डू समथिंग? पहली तो बात ये, चंद पॉइंट्स हैं उस पे हम फिर खत्म करेंगे आज का सेशन। इस अशरे निजात में आप परवरदिगार से तवक्को करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, भीख मांगते हैं कि परवरदिगार आपको जहन्नम की आग से आजाद कर दे। तो सबसे पहले अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में तकलीफ है तो आप उस तकलीफ को दूर करें, पहला काम ये। उसके बगैर आपको नहीं मिलेगा इंसान, चाहे कितनी इबादतें कर डालो, पूरी पूरी रात नफलें पढ़ो, कुछ नहीं होना। बंदे के साथ जुल्म किया है, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी चीज, ईद का मतलब ये होता है कि अगर आप रमज़ान में आपने उन अमाल किए, अमल किए जो अल्लाह ने कहा है, तो आप एक तरह से इनाम के हकदार होते हैं। और इनाम की सूरत जो होती है वो एक सेलिब्रेशन होती है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ होता। हम बचपन में यही करते थे। अलबत्ता हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से, खुदा की कसम मैं रोज इंडियन न्यूज़ देखता हूँ और अल्लाह जानता है मेरा दिल की क्या कैफियत होती है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं उड़ के जाऊं और मैं कुछ कर सकूं। ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है। वही इंसान है दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचती है। अगर आपके दिल में, सीने में अगर धड़कता हुआ दिल है तो आपको तकलीफ होगी, अगर पत्थर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत तकलीफ होती है मुझे देखकर, इसीलिए हम मेडिटेशन मुसलसल वापस कर रहे। बीच में बहुत टाइम ऐसा था हम नहीं कर पाए, बट वी शुड कंटिन्यू कि शायद इस मेडिटेशन से अल्लाह ताला इंडिया पे रहमत करे, पाकिस्तान पे रहमत करे, अतराफ के इलाकों पे करे। तो एक काम ये करना कि इस ईद में लोगों के पास, ईद तो बहुत, कपड़े और जूते तो बहुत दूर की बात है, लोगों के पास राशन नहीं, बहुत सारी जॉब्स चली गई, सफ़ेद पोश आसानी से मिलते नहीं हैं, ढूंढना पड़ता। मैंने कहा था मैं अनाउंस करूंगा, अगेन वक्त नहीं मिला। मैंने अपने बेटों को भी शामिल किया है, उरूद भी मेरे साथ शामिल है, कुछ मेरे पुराने शागिर्द हैं उनको मैंने बात की है, हम सब मिलकर ढूंढें ऐसे सफ़ेद पोशों को, और ख़ासकर सादात को भी। अब सादात को आप ज़कात नहीं दे सकते और सादात अमूमन आपसे मांगेंगे भी नहीं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा।
उसके अलावा भी कोई हो तो ढूंढे उनको और कोशिश करें कि इस ईद में जो आपने जहन में सोचा था ना कि कपड़े नए जूते, वो राशन डाल दे किसी के घर में, किसी के फटे हुए जूते हो, ये पठान के लड़के कराची के रोडों पे घूमते कचरा उठाते, इनके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती, एक जोड़ी जूते या चप्पल दे दें, किसी को कपड़े दे दें, खुराक दे दें, राशन दे दें, कुछ दे दें। यकीन कीजिए इससे बड़ी ईद की सेलिब्रेशन कोई नहीं होगी। अपने लिए तो सभी जीते इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, सब इंसान अपने लिए जीता है, तो इस ईद पे खास काम करें। कम से कम हमारे ये दोस्त जो हेवन ऑफ फीलिंग में और उसके बाद जो शेयर होती है वीडियो और दूसरे लोग, ये आज एक अहद कर ले अपने साथ कि अल्लाह ताला इस ईद में मैंने अपनी ईदी अपना खर्चा दूसरों को देना है, ऐसे लोगों को जिनके पास नहीं है, और ईद के दिन हो सके तो ऑर्फनेज, यतीम खाना, ओल्ड एज होम्स, ऐसी जगह जाइए, घंटा दो घंटा उनके साथ ईद मनाइए, आपका इतना खुश होगा, अल्लाह इतना खुश होगा कि आपकी निजात हो जाएगी। Sir, in this condition they can't, but at least they can send something. If they can, mask wash लगा के जा सकते हैं। Social distance तो मैं word use नहीं करता, physical distance 6 feet का रखें। बिल्कुल। चलिए जी। मिठाई दे दें, मिठाई दे दें बच्चों को, कुछ कर दें इस तरह की चीज, कपड़े दे दें, कुछ कर दें, मतलब अपनी कहते ना अपना पेट काट कर किसी को देना, अपने हिस्से का किसी को देना, तो अल्लाह आपको निजात दे देगा। जब से हमने हेवन ऑफ फीलिंग शुरू किया है उसके एक साल पहले से मैंने अभी तक ईद पर कोई शॉपिंग नहीं की पर्सनली, वैसे मैंने काफी दिनों से शॉपिंग नहीं की है, बट अगेन दिस ईद आई अगेन प्लेज दैट आई एम नॉट गोना शॉप एनीथिंग न्यू। तो मैं वैसे कहीं तक जाती आती हूँ नहीं, लेकिन अगर जाऊँ आऊँ भी तो किसने मेरे कपड़े याद रखने। अक्सर एक बात है कि हमें लगता है कि हमारे मुंह पे जो पिंपल है उस दुनिया में हर कोई उसको ऐसे देख रहा है जिसको हम जिस तरह हम देख रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले उस चीज़ पर गौर भी नहीं करते, और हमें होता है ये कपड़े पिछली ईद पर पहने थे इस ईद पर नहीं पहनूंगी या नहीं पहनूंगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वट एवर माई एक्सपेंस वॉज फॉर ईद आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव इट टू समवन। इन फैक्ट मेरी शादी का जोड़ा जो मेरे पास था बल्कि है, और कुछ ऐसे फैंसी ड्रेसेज हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ और मेरे उस पर नहीं है, आई वुड रियली प्लेच कि अगर किसी की शादी हो रही है, किसी को शादी के जोड़े की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली टाइट करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा, बट आई कैन गिव इट टू देम एंड वो उसको पहन सकते हैं, रेड कलर का जोड़ा है, सो आई कैन डू दैट, दैट्स व्हाट आई कैन डू। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। एक सवाल आया था मेरे पास, अगला हम हेवन ऑफ फीलिंग याद दिलाना, सवाल बड़ा मासूमाना था तो उसमें हम बात करेंगे, मुझे याद दिला देना सवाल, ऑडियो मैसेज आया था, ठीक है। चले हम मेडिटेशन शुरू करें उरुज। यस, करो ना। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वीडियो बंद कर दूंगा, आप मौजूद रहिएगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं और फैमिली मेंबर्स हैं प्लीज उनको इस वक्त बिठा दें, ये बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम लोग आए इस मेडिटेशन में, इसको एक्टिवेट करने का तरीका यही है कि मैक्सिमम लोग आए, तो अपने घर वालों को बुला लें, किसी को बुला लें, किसी तरह बिठा दें अपने साथ। मैं आपको एक दो मिनट देता हूं, अगर आपने किसी को बुलाना है, कुछ करना है तो प्लीज कॉल दें, और जो दिल में दर्द होता है ना दूसरों के लिए और जो रहम का जज्बा होता है, आज मेडिटेशन इस जज्बे के साथ कीजिएगा। ब्राजील में जो हालत है अंदाजा नहीं आम आदमी को, क्या मतलब फैमिलीज की फैमिली चली गई, एक फर्द रह गया। इसी तरह इंडिया में फैमिलीज की फैमिलीज चली गई, इंसान को चाहे कितना ताकतवर ना हो क्यों ना हो उसको एहसास होता है वो कितना कमजोर है, कुछ चीजें ऐसी है जो उसके अख्तियार में नहीं है, तभी तो वो जानता और मानता ना कि एक कुवत मेरे से भी ऊपर है बहुत बड़ी, बस उस कुवत से ही मुझे, उस ताकत से ही मुझे भीख मांगनी है, हिफाजत मांगनी है, शिफा मांगनी है। चले जी, आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों,
आरामदेह पोजीशन ले लें। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह करेगा कि ये मेडिटेशन हफ्ते में 2 दिन आप हमारे साथ करेंगे, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अता करेगा। परेशानी है घर में, जॉब का प्रॉब्लम है, पैसों का मसला, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे देगा। बस इस मेडिटेशन को हफ्ते में 2 दिन करते रहिएगा हमारे साथ लाइव। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करने में 20 सेकंड दूंगा, हर गिनती पे आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा आरामदेह पुरसुकून कैफियत में दाखिल हो रहे हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, feel relax. 13, 12, 11, 10, 9, feel going deeper and deeper. 8, 7, 6, deeper and deeper. 5, 4, 3, 2, 1, relax. जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी, अपने जिस्म पर फोकस, तवज्जो मरकूज करें। जो कपड़े आपने पहने हैं अपने जिस्म पर, वो चमड़ी के साथ उसका लम्स को महसूस करें। आपको हैरत होगी, आपके कपड़े जो कि आपकी चमड़ी के ऊपर हैं, उसके साथ हैं, मस किए हुए हैं, तो उस कपड़ा और इस चमड़ी के दरमियान एक खलाए, एक स्पेस है। आपको नजर नहीं आती, मुझे नजर नहीं आती, मगर है। क्या ये मुमकिन है कि आप अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, जिस्म के किसी हिस्से में जो कपड़ा टच कर रहा है, आपके बाजू का हो सकता है, आपके सर पे जो दुपट्टा है वो, और बालों के दरमियान जो जगह है उधर ले जाएं। अगर आपने टोपी पहनी है तो टोपी और बाल के दरमियान एक खास स्पेस है, अपने माइंड को उसमें ले जाएं। आपका माइंड कहीं पे भी जा सकता है। और जिस तरह जो कपड़े आपने पहनने हैं वो और आपके जिस्म के दरमियान स्पेस है, यही स्पेस कपड़े के बाहर भी है। जिस पलंग पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस सोफे पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, तो आपके अतराफ में भी तो स्पेस ही स्पेस है, खला ही खला है। और अगर इस खला को बड़ा किया जाए, इतना बड़ा किया जाए जो कि है कि पूरा कमरा इसमें आ जाए, तो इसका मतलब है आप कमरे में हर जगह मौजूद हैं। और अगर इसको बड़ा करके आपके घर की तरह कर दिया जाए, तो इसका मतलब है घर के हर कोने में, हर जगह घर में आप मौजूद हैं। ये जो मौजूद है, इसे हम शऊर कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे, अवेयरनेस कहेंगे। और इस अवेयरनेस को स्प्रेड करते करते पूरे मोहल्ले में स्प्रेड कर दें, तो पूरे मोहल्ले में, हर घर में ये स्पेस है। और चूंकि ये स्पेस है, आपके अंदर भी, आपके बाहर भी, तो आप ही स्पेस के अंदर हैं, स्पेस ही आप में है। और एक्सपेंड करते करते पूरे मुल्क की तरफ ले जाइए, तो पूरे मुल्क में आप हैं, और पूरा मुल्क आपके अंदर है। और स्प्रेड करते करते दुनिया में ले जाइए, पूरी दुनिया में आप हैं, तो पूरी दुनिया आप में है। और इसको स्प्रेड करते करते हम जब स्पेस में ले जाते हैं, खला जिसको कहते हैं, तो स्पेस में हम एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, निजाम शमशी का। और उसमें जितने प्लैनेट्स हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उन सब में स्पेस है, आप में भी स्पेस है। तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ सोच और ख्याल का। तो आप सारे प्लैनेट्स में मौजूद हैं,
और इस सोलर सिस्टम से ऊपर जब आप गैलेक्सी में जाते हैं, जिसमें ना जाने कितने सोलर सिस्टम हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, उन सब में आप हैं, सब आप में। और गैलेक्सी से ऊपर जब आप जाते हैं तो वो मकाम है जहां सीक्रेट पाथवेज हैं, खुफिया दरवाजे हैं, रास्ते हैं। एक लम्हे में आंख छपकने से पहले कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच सकता है इंसान अगर इल्म हो उसके पास। और निकलते निकलते और फैलाते अपने आप को, स्पेस को समझे, अब मकाम लाहूत पर है। ये वो मकाम है जहां ड्वेलिटी नहीं है, दुई नहीं, मोहब्बत है नफरत नहीं है, खुशी है गम नहीं है, फजल है फरासत है बरकत है उम्मीद है मायूसी नहीं, तंगदस्ती नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। इस मकाम पर अपने जहन की पूरी ताकत और तवज्जो से और दिल में मोहब्बत हमदर्दी प्यार का वो जज्बा जो अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए होना चाहिए, उस जज्बे को अपने दिल और दिमाग में रखते हुए पूरी दुनिया के लिए हीलिंग भेजे, दुनिया को दुआ भेजे। ये वबा से बनी नौ इंसान परेशान है, कई घरों में जनाजे उठ चुके हैं, लोगों के कारोबार नहीं, जॉब्स नहीं है, तंगदस्ती का आलम है, गुर्बत की इंतहा हो चुकी है, लोग नाउम्मीद होते जा रहे हैं। इस तरह जहां भी आपको लगता है आपका पड़ोस के मुल्क में है, आपके मुल्क में है, सब जगह तवज्जो करते हुए हीलिंग भेजे, दुआ भेजे और अपने माइंड में देखें सब हालात ठीक होते हुए, सारे हालात ठीक होते हुए। स्कूल्स खुले हैं, अस्पताल में मरीज कम है, कारोबार चल रहे हैं, लोग खुशहाल हैं, नौकरियां भी है, सब कुछ है। याद रहे आपका जहन जब इस यकीन के साथ किसी तसव्वुर को लेकर सोचता है उसके ऊपर, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप एक्टिवेट करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा, तो गुमान अच्छा करो, दुनिया को एक बेहतर हालत में देखो, पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, ब्राज़ील को और बहुत सारे ममालिक, मलेशिया है, सिंगापुर है, इन तमाम मुल्कों में जहाँ जहाँ ये वबा का बहुत ज़ोर है, अब देखो कि वो ज़ोर टूट चुका है, लोगों की ज़िंदगी मामूल पे आ रही है। अपने लिए अपने आप को तसव्वुर करें, बिल्कुल ठीक, जब आप ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बैठेंगे, तसव्वुर करें। आपके घर में कोई बीमार हो उसका तसव्वुर करें कि वो शख्स ठीक हो गई या ठीक हो गया। किसी के घर में मसाइल हो, किसी के घर बेटी का रिश्ता ना आता हो, किसी का कारोबार ना हो, किसी की नौकरी ना हो, अच्छे गुमान के साथ सोचें कि तमाम चीज़ें ठीक हो गई। और अगर आपकी जात से किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाई आपने, तो उस जहन्नुम की जगह उसकी जिंदगी को जन्नत बना दे। आपको जन्नत मिल जाएगी। अब वापसी का सफर शुरू करते हैं, एक से दस गिनूंगा। एक, मकाम लाहूत से उस मकाम से गुजर रहे हैं। दो, जहां खुफिया दरवाजे। तीन, गैलेक्सी। चार, आपका निजाम शमसी सोलर सिस्टम। पांच, आपकी दुनिया। छह, आपका मुल्क। सात,
आपका शहर 8, आपका पड़ोस नेबरहुड 9, आपका घर और घर में जहां कहीं आप बैठे हैं 10, अपनी आंखें खोलें। या अल्लाह, किसी भी मेडिटेशन में जब दिल इन्वॉल्व हो जाए तो वो काम करती है। बिल्कुल। ट्रू। एक गुजारिश है आप सबसे, इस वीडियो को ऐसे लोगों को जरूर भेजें जिनके घरों में प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, रोजी की कमी है, परेशान, को जरूर भेजें और कहें देखो इसको। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी गुजारिश की थी कि कॉल करें लोगों को और कहें अभी 11 बजे होने वाला है सेशन, आ जाओ इस पे, हमें बहुत सारे लोग चाहिए, इस मेडिटेशन में बहुत सारे लोग चाहिए जो एक वक्त एक साथ बस 10 मिनट के लिए आए हो, चाहे लेक्चर ना सुनो, बस 10 मिनट। हम 30-35 मिनट के लेक्चर के बाद हम उसमें शामिल हो जाए। बिल्कुल, इतना तो हम कर ही सकते हैं। We all want to do something और अल्लाह का वली अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप जहाँ पे भी अल्लाह के बंदे की मदद कर सके ज़रूर करें, और जहाँ पे भी आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा होता है वो उसको ज़रूर पहुँचाएं। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वील सी यू ऑन सैटरडे। सर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आपके शामिल होने का। अल्लाह ताला आपको अजर दे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मैं आपसे, मेरे से कोई गलती हुई हो, दानस्ता गैर दानस्ता, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, जो भी गलती हुई हो, किसी किस्म की भी हो, माफ़ कर दीजिएगा। रमज़ान का महीना है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, तो अपने दुआओं में शामिल कीजिएगा, मैं भी आपको माफ़ करता हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आबाद निशाद रहे, खुश रहे, परवरदिगार जी मेरे जो मुझे ही माफ़ करना। तुम माफ, बिल्कुल, तुम्हें सबसे पहले माफ। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे, परवरदिगार जिंदगी में बेताश खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दे, पाकिस्तान पाइंदाबाद।